हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 31 अक्टूबर दिन गुरुवार, ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न करने के लिए कौन सी विधियां, कौन सी पूजा उपासना करनी चाहिए और तुला राशि वाले जातकों पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे बना रहेगा, कौन से सरल उपाय आपको करने चाहिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज कौन से सब्जेक्ट में, कौन से क्षेत्र में आपको कार्य करने से आपके मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि हो सकती है, साथ ही साथ आपको धन लाभ पहले की अपेक्षा ज्यादा हो सकता है। आज व्यापारी वर्गों के लिए क्या करना चाहिए, साथ ही साथ कौन से क्षेत्र में कार्य करें, क्या करें क्या ना करें, कौन से क्षेत्रों में आपको सावधान और सतर्क होकर रहने की जरूरत है, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके। मित्रों, हाल ही के दिनों में माता लक्ष्मी की विशेष पर्व दीपावली को मनाया गया था, ऐसे में माता लक्ष्मी अभी धरती पर ही विचरण कर रही हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इन दिनों आप कुछ सरल से उपाय करोगे तो तुला राशि वाले जातकों को पूरे वर्ष धन लाभ पूरे होने वाले हैं। मित्रों, तुला राशि वाले जातक कौन से ऐसे उपाय करें जिनसे कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाएं और आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके। तुला राशि वाले जातकों को आज बताना चाहूंगा कि आपके प्यार भरे पलों में एक खुशहाली चमक आएगी। आप पुरानी गलतफहमियों पर विचार करेंगे और उनसे छुटकारा पाने के तरीके पर गौर करेंगे। आप नए मित्र बनाएंगे और सामूहिक गतिविधियों में आज आप भाग लेने वाले हैं। परिवार का कोई संबंधी आपके लिए सहायक आज साबित हो सकता है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि दिन के अंत में जब ये दिन ढलने लगेगा उस समय आपको वित्तीय लाभ होने लगेंगे। आज आपको बताना चाहेंगे, आप जो है जो भी व्यापारिक सौदे, जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हो, खुद का बिजनेस हो या फिर किसी पार्टनरशिप साझेदारी पर बिजनेस करते हो, तो उसमें आपको जो है कुछ अप्रत्याशित लाभ प्राप्त कर पाओगे। आप किसी सार्वजनिक समाचार परियोजना में अच्छी प्रगति कर सकते हो। मित्रों, आज समाज में अपनी अलग पहचान, अलग पकड़ आपको बनाने के लिए आपका व्यक्तित्व जो है उभर कर सामने आने वाला है। आज आपके लिए दिन बहुत ही खुशनसीब और खुशहाली वाला रहने वाला है। आपको बताना चाहेंगे, आज मित्रों और परिजनों के साथ प्रकृति स्थलों पर की गई सैर, अगर आप सैर करते हो, यात्रा करते हो, तो आप जो है अधिक ऊर्जावान और जीवांत बनाएगी। आपको बताना चाहेंगे, आज सभी प्रकार की व्यक्तिगत या व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनावश्यक जो है आपको खर्च भी हो सकते हैं, इसलिए आज आपको धन लाभ के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी के आप पर असीम कृपा बरस रही है। तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको अनुकूल और लाभदायक परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। किसी दोस्त या साथी के माध्यम से आय के अतिरिक्त स्रोत भी मिलने की संभावना है। यदि आप पदोन्नति के इच्छुक हैं तो इस मामले में आप आज कोशिश कर सकते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बहुत दिनों से पद प्रमोशन के विषय में सोच रहे हैं और आपका पद प्रमोशन नहीं हो रहा, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो मित्रों आज का ये समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। बॉस के साथ थोड़ा सा आपको अच्छे लगाव लगाने चाहिए, उनके साथ थोड़ी अच्छी सी दोस्ती वाली बातें करनी चाहिए जिनसे कि आप जो है बॉस के सामने प्रभावित हो सकें और आपके बॉस आपका पद प्रमोशन कर सके, सैलरी में आपका इफाजा कर सके। आज आपको बताना चाहेंगे, आज भाग्य से आपका जो है भाग्य पूरा पूरा साथ दे रहा है, जिसकी वजह से जो भी क्षेत्र में कार्य करोगे उसमें आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलने वाली है। इसलिए आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों में आप जो भी कार्य करना चाहते हो, जिस भी क्षेत्र में कार्य करना चाहते हो, उसमें आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। मित्रों, अगर आप आज के दिन अपना व्यापार, खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो उनके लिए आपका दिन अनुकूल रहने वाला है। आज के दिन किया गया व्यापार आपको भविष्य में अच्छे परिणाम देने वाला है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे, आय के आपके अनेकों मार्ग खुलने वाले हैं, इसलिए अपने काम के प्रति सच्चे दिल से लगाव रखें और अपने आँख कान सब खुले रखें। आज आपको नई नई आय के स्रोत भी देखने को मिल सकते हैं।
आज का दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से अच्छा रहने वाला है। आपका मिजाज सकारात्मक होगा और आप दूसरों पर एक अच्छा प्रभाव बनाने में सफल होंगे। मित्रों के साथ मनाया गया जश्न आपको अत्यधिक आनंद देने वाला है। मित्रों, आज के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपका दिन अनुकूल रहने वाला है, इसलिए अगर आपके व्यापार में बाधाएं आ रही हैं, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा या फिर बेरोजगार युवक हैं और बहुत दिनों से अपनी रोजगार की तलाश कर रहे हैं या फिर छात्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जो है रोजाना सुबह सुबह उठें, गौ माता का दर्शन करें और गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि गौ माता के चरणों को स्पर्श कर लें, इससे आपके राह में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी। आपके जीवन में जितनी दुख तकलीफें हैं उनसे आपको दूरियां मिलेगी। आपको बताना चाहेंगे आपके व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होने वाली है। आपके जीवन में आपकी राह में अड़चने जो आती हैं, जो आपके कार्य को सफल नहीं होने देती, उनको भी दूर करने वाली है। मित्रों, जो छात्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। किसी परीक्षा परिणाम का अगर आप आज के दिन इंतजार कर रहे हो तो आपके पक्ष में सकारात्मक परिणाम आपको देने वाले हैं। मित्रों, आज के दिन अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करते हो तो मित्रों आपको बताना चाहेंगे वो आपको पूरी पूरी सफलता की राह पर ले जाएगा। माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए आज आपको चाहिए, तुला राशि वाले जातकों को आज चाहिए कि माता लक्ष्मी को सुबह सुबह उठें और उनकी पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। जितना सरल हो सके आपको उतने उपाय करने चाहिए। अगर हो सके तो माता का भजन भी आपको करना चाहिए। मित्रों, आज के दिन आप सुबह सुबह उठें और माता रानी के किसी भी स्वरूप के सामने वहां पर आप जाएं और आप जो है माता रानी को सच्चे दिल से याद करें, उनकी पूजा उपासना करें और साथ ही साथ अपने जो भी इच्छाएं हैं और जो भी कष्ट हैं उनको माता रानी के समक्ष आप प्रकट करें। ऐसे में माता लक्ष्मी, अगर आप सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, अगर आप सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते हैं और उनकी पूजा उपासना अगर आप सच्चे दिल से करते हैं तो आपको माता रानी अवश्य ही आपके इच्छित कर्मों के अनुसार आपको फल अवश्य देंगी। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने कर्मों के हिसाब से ही फल पाने के भाग्य वाले हो। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हो कि माता रानी की कृपा आप पर बरसे, इसके लिए आपको माता रानी के समक्ष अपने कर्मों को भी व्याख्यान करना है। आपको जो भी कार्य करते हो, चाहे आपका कार्य बड़ा हो, आपका खुद का बिजनेस हो या आपके छोटे कार्य कार्य हो, इसमें आपको कोई भी शक नहीं करना। माता रानी के सामने अपने कार्यों का व्याख्यान करें और आपको बताना चाहेंगे कि अपने कार्य को सच्चे दिल से करें। जिस अनुपात में आपका कार्य होगा उसी अनुपात में आपको लाभ मिलने वाले हैं। पहले की अपेक्षा आपको ज्यादा धन लाभ होने लगेंगे, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और आप जो है विजयी बनोगे। आपकी यात्राएं, आज के की गई यात्राएं फलीभूत होने वाली है। आप अपने परिजनों और मित्रों के साथ कहीं सैर सपाटे पर जाने की योजना बना सकते हो। आपको बताना चाहेंगे आज किसी अच्छी खबर से आपका दिन बन जाएगा। पिछले कुछ दिनों के प्रयासों को आप निश्चित रूप से ही सफल कर पाओगे, जिसके आपसे मित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपकी हालात बहुत ही अच्छी रहने वाली है। मन में शांत और न्यूनतम रोग प्रतिरोधक शक्ति से आप जो है सक्षम रहने वाले हो। आज घर में परिवार में लड़ाई झगड़े की संभावना है। आपका प्यार आपसे दूर जा सकता है। समझ और तालमेल की कमी विवाद और शत्रुता का भी रूप ले सकता है। वैवाहिक जीवन जो है आपका सुखद रहने के आसार कम दिख रहे हैं, इसलिए अपने घर में परिवार में वाद विवाद ना करें और आपको चाहिए कि अपने घर में सुख शांति बनाए रखें। आपको बताना चाहेंगे बेफिजूल की बातों पर किसी से भी वाद विवाद ना करें और ना ही किसी से कोई बात का किसी भी तरह का झगड़ा लड़ाई करें। आज आपको सबसे प्रेम भाव बनाकर रखने की जरूरत है और ना ही किसी से वाद विवाद करने की जरूरत है। कुल मिलाकर आज बात करें तो आपका भाग्य चमकने वाला है, आपकी किस्मत आपका साथ देने वाला है। कोई सकारात्मक काम नहीं किए हो तो उसमें आपको अच्छे परिणाम जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए हमेशा
सकारात्मक और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप कार्य को करते रहें, आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। मित्रों, आपका भाग्य चमकने वाला है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं माता लक्ष्मी, माता रानी पूरा अवश्य करेंगी। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी।